हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आई गेल देव क्लास टीचर में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आए हैं, जो 2024 के लिए कक्षा कौन सी रहेगी, कक्षा सातवीं। और ये प्रश्न पत्र का सेट ए है। कौन सा सेट है? ये सेट ए है। और समय आपको एक घंटा रहेगा और पूर्णांक कितने रहेंगे 100, यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे। ये आपको आवश्यक निर्देश दिए हैं, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर एक क्या है आपका भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 का। प्रश्न नंबर एक है, आद्य शक्ति माँ गायत्री सद्बुद्धि की अधिधात्री, अतः वह सन्मार्ग से में प्रेरित करती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर दो, प्रार्थना करने से मिलता है। प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है? प्रार्थना करने से मिलता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा एबीसी तीनों, आंतरिक संबल, सद्गुण करने की प्रेरणा, उत्साह और आशा प्रार्थना करने से मिलता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर तीन, जो महापुरुष सत्य को ही ईश्वर मानते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर तीन का? सही आंसर आ जाएगा गुरु नानक देव। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार क्या है देखते चलिए। प्रश्न नंबर चार में दिया है आपको, क्या दिया है? तुलसी के पत्तों का कलक जिसमें लाभदायक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर पाँच। प्रश्न नंबर पाँच क्या कह रहा है? ईमानदार होने का अर्थ हजार मनकों में अलग चमकने वाला हीरा या कथन है। किसका कथन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, श्रीराम शर्मा आचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर छः, सूर्य जगत का आदि कारण है इसलिए कहलाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, आदित्य। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर सात, गायत्री महामंत्र के ऋषि हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, विश्वामित्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आठ, सल्तनत काल में मेवाड़ की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, चित्तौड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर नौ, महाराजा रतन सिंह के किन योद्धाओं ने खिलजी की सेनाओं के दांत खट्टे कर दिया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर नौ का, गोरा और बादल, ए और बी दोनों, इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दस। प्रश्न नंबर दस क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर दस है, अपने सतीत्व एवं मर्यादा की रक्षा में चित्तौड़गढ़ की छत्राणियों के जौहर की याद में प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो कौन सा मेला लगता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, कृष्ण एकादशी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, ब्रह्मा की प्रेरणा से ऋषि वाल्मीकि ने रचना की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 11 का, रामायण की। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है, भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश का जन्म हुआ था। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से आपको बताना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, व्यक्तियों द्वारा अर्जित शक्तियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, संयम से। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, जीवा के असंयम से किसको नुकसान होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, स्मृति। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, वाणी का किस प्रकार का प्रयोग मनोमालिन्य पैदा करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, ए और सी दोनों, यानी कि कर्कशता और व्यंग। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या दिया है? प्रख्यात विद्वान एवं वक्ता तीर्थराम का जिन भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी। यहाँ पर संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, एबीसी तीनों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है? चलिए पढ़िए। प्रश्न नंबर 17 दिया है, स्वामी रामतीर्थ के व्यक्तित्व की विशेषता थी। ए नंबर, सरलता, निश्चलता, बी नंबर, सादगी, सी नंबर, अपरिग्रह, आस्ते और डी नंबर, एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18, दूसरों की असुविधा का ध्यान रखकर अपनी सीमा को सीमाबद्ध रखने वाला व्यवहार कहलाता है, श्रेष्ठ, सभ्य, अनुकरणीय और डी नंबर, एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? देवता वे होते हैं जिनकी प्रवृत्ति होती है सहयोग, सहकार की, संतोष की, सम्मानजनक व्यवहार की और डी नंबर, एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20, भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाली इंडिका नामक पुस्तक के लेखक थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, मैग्नस निस। कौन थे? मैग्नस थीस थे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, जिस भारतीय ऋषि को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, कड़ाद। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है? श्री रामचंद्र जी का जन्म जिस वंश में हुआ था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, इक्ष्वाकु। किस में हुआ था श्री रामचंद्र जी का जन्म, किस वंश में हुआ था? तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, इक्ष्वाकु। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 23 में, पढ़िए प्रश्न नंबर 23 क्या है। प्रश्न नंबर 23 से पद्मावत के रचनाकार हैं।
प्रश्न नंबर 23 क्या है, पद्मावत के रचनाकार है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर जायसी। अगला प्रश्न है, ज्ञान शक्ति है ऐसा जिन्होंने कहा था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर फ्रांसिस वेकन ने। किसने कहा था, फ्रांसिस वेकन ने कहा था। अगला प्रश्न है, क्रूस सम्मानी चिन्ह है, क्रूस सम्मानी चिन्ह किसका है चिन्ह, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ईसाइयों का। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26, पांडिचेरी जिन महापुरुषों की तपस्या स्थली है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर महर्षि अरविंद। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण किस तिथि को लगता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर अमावस्या को। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 क्या है, प्रश्न नंबर 29 में दिया है, जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत हैं, ए नंबर सम्यक दर्शन के, बी नंबर सम्यक चरित्र के, सी नंबर सम्यक ज्ञान के और डी नंबर एबीसी तीनों, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है, शिवा तू धर्म और संस्कृति के लिए आजीवन युद्ध कर, यही मेरी गुरु दक्षिणा है, यह किसने कहा था ये, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर समर्थ गुरु रामदास ने। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31, लोक हित में जिन्होंने श्रेष्ठ त्याग किया, तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, लोक हित में जिन्होंने श्रेष्ठ त्याग किया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए बी दोनों, ए में क्या है शिवी और बी में दधीची। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, मेरी दृष्टि में ईश्वर इस संसार में सर्वव्यापक एक महान नियम है या कथन है, किसका कथन है, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर आइंस्टाइन का, किसका कथन है ये, आइंस्टाइन का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या है, प्रश्न नंबर 33 में दिया है, ब्रह्मा समाज के सिद्धांतों में जिसे वेद विरुद्ध और त्याज्य कहा गया है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका एबीसी तीनों, यानी बहुविवाह को, बाल विवाह को और सती प्रथा को, तो इसका सही आंसर डी नंबर एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के अनुयायियों को गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानने का निर्देश दिया था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है, सरदार भगत सिंह ने जिस संगठन को बनाया था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा नौजवान सभा का, किसका, नौजवान सभा का। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 36 क्या है, चलिए देखते हैं, यहाँ से आपका प्रश्न नंबर 36 स्टार्ट होगा। प्रश्न नंबर 36 में दिया हुआ है, क्या दिया है, एन इंडियन पिलग्रिम किनकी आत्मकथा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 37, जिस विदेशी यात्री ने वाराणसी में संस्कृत और खगोल विद्या का अध्ययन किया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अल्प बरूनी, किसने किया था, अल बरूनी ने किया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृतियों सभ्यता के लोग जिसकी पूजा करते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका हड़प्पा संस्कृतियों सभ्यता के लोग किसकी, तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा मात्र देवी। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर पॉली। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 40 को। प्रश्न नंबर 40 है, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा वे महापुरुष थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, पूर्व का मोती कहलाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सिंगापुर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जहां स्थापित की गई, तो इसका सही आंसर आ जाएगा कहां पर स्थापित गई थी, मेहर साणा में, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के वे तीर्थकर जिसे आदिनाथ कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ऋषभ देव। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 44 में क्या दिया है, हमारे देश का नाम जिनके नाम से भारत पड़ा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर शकुंतला पुत्र भरत के, किसके पुत्र, शकुंतला पुत्र भरत के। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 45, जनकपुर वासियों को पहली बार देखते ही राम लक्ष्मण कैसे लगे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए बी सी तीनों, इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, पवित्र सज्जन धर्मात्मा ज्ञानी गुणवान, तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 46, अपनी भूल को समझना और उन्हें सुधारना ही प्रकृति का मूल मंत्र यह कथन है, तो ये कथन किसका था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अरस्तु का। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 47, सम्मान ही सद्गुणों का पुरस्कार है यह कथन है, तो यह कथन किसका था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सिसरो का। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 48, चलिए प्रश्न नंबर 48 में देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 48 में। प्रश्न नंबर 48 है, अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन करना चोरी है यह कथन है, तो यह कथन किसका था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का गुरु था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा अरस्तु, इस डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 50, आर्यभट्ट किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर नालंदा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 51, अपना बलिदान देकर जिस राजपूत सरदार ने महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा की थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर सरदार झाला ने। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52,
चलिए प्रश्न नंबर 52 क्या दिया देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 52 में दिया, संस्कृत भाषा में लिखी गई ग्रंथ अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, व्याकरण। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 53। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रमुख संस्था थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ABC तीनों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तो श्रेष्ठ, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा का आकार जिस तिथि को पूर्ण होता है? प्रश्न क्या है, चंद्रमा का आकार किस तिथि को पूर्ण होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, पूर्णिमा। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो मिसाइल मैन कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 क्या है, गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, ज्ञान। अगला प्रश्न है, जिसे लघु भारत कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, मॉरिशस को क्या कहा जाता है, लघु भारत, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 59, अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है, कहा है, किसने कहा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 60, जिसे नरम दल के नेता और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 61 देखते हैं, प्रश्न नंबर 61 में क्या दिया हुआ है, चलिए प्रश्न नंबर 61 क्या है देखिए, प्रश्न नंबर 61, बुद्ध चरितम के रचनाकार अश्वघोष जिनके आध्यात्मिक गुरु थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, कनिष्क। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 62, 13वीं शताब्दी में पांडे राज्य की यात्रा पर आए थे, कौन आए थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, मार्को पोलो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 63, प्रश्न नंबर 63 क्या कह रहा है, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की विशेषता थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, निर्भीक सत्यवादी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 64, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ABC तीनों, ए में विश्व बंधुत्व, विश्व एकात्मा और विश्व शांति, और तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, डी नंबर, ABC तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 65, चलिए प्रश्न नंबर 65 में क्या दिया हुआ है पढ़िए, शिकागो यात्रा से पूर्व नरेंद्र की पहली बार स्वामी विवेकानंद से संबोधित किया, तो किससे संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, खेतड़ी नरेश। इसके बाद अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण की रचना जिस क्षण में हुई? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अनुष्टुप, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, रामायण जिस युग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, त्रेता युग। अवधी भाषा में राम के चरित्र पर आधारित रचना है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, रामचरित्र मानस। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या आ जाएगा, समस्त पर्वतों में देवात्मा पर्वतों का राजा के नाम से जिसको संबोधित किया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, हिमालय। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70 क्या है, रामचरितमानस के रचनाकार थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, तुलसीदास। कौन थे, तुलसीदास थे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 71, खांडव वन के जिस स्थान पर पांडवों ने नगर बसाया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, इंद्रप्रस्थ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 72, प्रश्न नंबर 72 क्या है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा वृद्रथ, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 73, हिंदी के अतिरिक्त जो भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तो वह कौन सी भाषा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, मराठी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 74, हजरत मूसा जिस धर्म के प्रवर्तक हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, यहूदी। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 75, प्रश्न नंबर 75 देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 75 में पृथ्वी के सबसे बड़े भूभाग का नाम है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, यूरेशिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कन्फ्यूशियम जिसका धर्म है? कन्फ्यूशियम किसका प्रमुख धर्म है? तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है, इसमें से बता सकते हैं कि किसका प्रमुख धर्म है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, चीन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, हरितिमा, भूमि की हरियाली का। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 78, विनायक नरहरि भावे मूल नाम था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, विनोबा भावे। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस विधा के विद्वान थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, न्याय शास्त्र। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 80, प्रश्न नंबर 80 क्या है देखते हैं, चलिए प्रश्न नंबर 80 में क्या दिया है, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 81, पुष्कर तीर्थ जहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, अजमेर। कहाँ पे है, अजमेर में। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 82, स्वामी विवेकानंद की इंग्लैंड में जन्मी शिष्या थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ABC तीनों, तो ये ABC तीनों जो थी ये स्वामी विवेकानंद की इंग्लैंड में जन्मी शिष्या थी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 83, तंबाकू में जो हानिकारक पदार्थ पाया जाता है
निकोटीन, आर्सेनिक और कोलता। तो ये और डी नंबर एबीसी तीनों, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत देश की राष्ट्रीय नदी है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा गंगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 85, सनातन धर्मानुसार मनुष्य पर जो ऋण माने जाते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा एबीसी तीनों, यानी डी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 क्या है, चीनी यात्री फाइयान जिसके शासनकाल में भारत आए थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मौर्य के। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 87, बाल डोरी सत्याग्रह आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर महात्मा गांधी ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 88, अनिद्रा रोग को दूर करने वाले आसन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर शवासन। शवासन ये क्या है, अनिद्रा दूर को करने वाला आसन है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 क्या है, भगवद गीता में असहमित मन को माना गया है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर शत्रु। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 90। चलिए प्रश्न नंबर 90 में क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 90 है, जावा में धार्मिक इमारतें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर चंदी। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वर्ण द्वीप समूह में स्थित सुमात्रा देश का प्राचीन भारतीय नाम था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर श्रीविजय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 क्या कह रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जिन देशी राज्यों ने भारतीय संघ के साथ एकीकरण नहीं किया था, तो ए नंबर हैदराबाद, बी नंबर जूनागढ़, सी नंबर मागरोल यानी माना बदर, इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जगन्नाथपुरी को अन्य और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एबीसी तीनों, यानी ए नंबर में क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र और संघ क्षेत्र, तीनों आप नामों से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 94, गांधी जी ने आश्रमवासियों के साथ दांडी कूच किया था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 12 मार्च 1930। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 में क्या दिया है, चलिए पढ़िए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की जानकारी का स्रोत है, इंडिका, कोटिल का अशास्त्र और बुद्ध चरित्र, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ए बी दोनों, इंडिका और कोटिल का अशास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 96, मौर्य साम्राज्य के पश्चात जिस राजवंश का उदय हुआ, तो मौर्य साम्राज्य के बाद किस राजवंश का उदय हुआ, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सुंग वंश। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 97, वह पांडव जिसे गुड़ा केस भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर अर्जुन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 98, लामा लोग भगवान बुद्ध को किस नाम से पुकारते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सनप। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 99, अतुल्यरम नामक योजना किस क्षेत्र हेतु है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर साक्षरता। इस प्रकार से जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न कितने हैं, 99। इसके बाद जो आपको प्रश्न आएंगे ट्राई बेकर हैं, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है और उसके 5 प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न है छत्रपति शिवाजी अभिमन्यु लवकुश भरत की माताओं के नाम लिखिए। फिर दूसरा प्रश्न है गांधी जयंती, शिक्षक दिवस, बलिदान दिवस, गणतंत्र दिवस की तिथियां लिखिए। तीसरा प्रश्न है गीता, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब पावन ग्रंथ है। फिर चौथा प्रश्न, चार दिशाओं के मध्य चार कोणों में स्थित दिशाओं के नाम लिखिए। और पांचवा प्रश्न है आपका राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय पक्षी के नाम लिखिए। ये ट्राइबेकर प्रश्न रहेंगे, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य रहेगा। इस प्रकार बच्चों आपका जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा 7वीं का ये महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र था, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको हमने बताया। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे लगे हों, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।